उनसे दुआ करो, दुआओं में बहुत ताकत होती है, ट्रस्ट में अगर आप सच्चे दिल से दुआ करोगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फेम जोन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पीएम ने 21 डेज का लॉकडाउन पीरियड अनाउंस किया है, पहले 1 वीक था बट उसको बढ़ाकर 21 डेज कर दिया है। तो यार क्या करें 21 डेज, आई नो आप सब बोर हो रहे हो, बट आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ स्किल को, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज करने को बहुत कुछ है। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा जिससे आप बोर भी नहीं होगे, आप अपनी लाइफ स्किल को, अपनी हॉबीज को और भी ज़्यादा इन छुट्टियों में इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सजेशन, मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपका ब्रेन पावर बहुत डेवलप होता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है, पूरे दिन आप काफ़ी अच्छा फील करते हो। तो मेडिटेशन तो मस्ट है, करना चाहिए आप लोगों को। मॉर्निंग में उठो और मेडिटेशन करो। और यार मैं कोई दादाजी बन के आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, आई एम योर फ्रेंड, सो दैट्स वाई आई एम सजेस्ट यू। सो प्लीज़ करो, इसको बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए। सेकेंड सजेशन, कॉन्टैक्ट विथ योर फ्रेंड्स। भाई बाहर जाके नहीं करना, घर में करना है, कॉल पर करना है। तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो काफ़ी पुराने दोस्त हो गए हैं जिनसे अभी तक आप लोगों ने काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं करा है, बात ही नहीं करी, उनके साथ आप बातें करो यार, कॉल पे करो, चैट पे करो या वीडियो कॉल पे करो, बहुत अच्छा होगा और आप लोगों के बीच की जो दूरियां हैं वो भी काफ़ी पास आ जाएंगी। तो ये है सेकेंड सजेशन। सो द थर्ड सजेशन इज रीड अ बुक। जो भी पसंद करते हो आप पढ़ना, आपका टाइम भी कट जाएगा और आपकी नॉलेज भी गेन होगी। नेक्स्ट इज होम वर्कआउट। सबसे बढ़िया, सबसे मज़ेदार तरीका अपने आप को बिजी रखने का घर पे, तो होम वर्कआउट तो ज़रूरी है, उससे आपके फ़ायदे ही है, कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज आपको आलस नहीं आएगा, आपके अंदर अलग सी ताजगी होगी, आप अच्छा फील करोगे। सो 15-30 मिनट का वर्कआउट तो करना ज़रूरी है, मॉर्निंग में उठो और बस चालू हो जाओ। सो चलिए 5वें सजेशन की तरफ चलते हैं। 5th सजेशन जो है आपके लिए है वो है कि यार ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन बहुत कुछ है, मूवीज है, गेम है, टिकटॉक, व्हाट्सएप, सबके पास ही है, इंजॉय करो ना यार, फालतू क्यों बैठे हो, टाइम क्यों खराब कर रहे हो, जाओ यार मजे लो, बहुत कुछ है ऑनलाइन, मूवीज देखो, और कई सारी मूवीज है, हॉरर मूवीज है, थ्रिलर मूवीज है, एंटरटेनिंग मूवीज है, बिकॉज बाहर जाना बंद है लेकिन नेट बंद नहीं है। तो यार इंजॉय करो। और एक चीज पूछनी थी यार आपसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेट भी बंद कर दिया जाए, जैसे आपको बंद कर रखा है बाहर जाने के लिए, सो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। 6th सजेशन, लिसन टू म्यूजिक। गाने तो हर किसी के मोबाइल में है और मोबाइल आप लोगों के पास है ऑलरेडी, तो यार गाने सुनो, और इनकेस अगर आपके पास गाने नहीं है तो और भी बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इजिली गाने मिल जाएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से गाने सुनने में इंटरेस्टेड हो, पंजाबी, वेस्टर्न या और कोई गाना। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सावन, गाना, स्पॉटिफाई, तो जाओ और इन्जॉय करो यार। तो जो नेक्स्ट सजेशन है, 7th सजेशन आप लोगों के लिए है। 7th सजेशन जो है, हेल्प योर मॉम ड्यूरिंग डेली कोर्स। सो माई 8th सजेशन इज प्रे टू गॉड। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने ईश्वर से, जिस भी रिलीजियस के आप हो, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, तो ये जो भी हमारे देश में हो रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग पूरे दिन में 1 मिनट का टाइम निकाल के दुआ कर सकते हो, और दुआ करिए कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ताकि हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टार्ट कर सके, और जो भी लोग इससे इफेक्ट हुए हैं वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। माय 9th सजेशन इज पर्सनली डेवलपमेंट वीडियोस। मैंने बहुत सारी पर्सनली डेवलपमेंट में वीडियोस बनाई हैं, तो वो जाओ और देखो, अपनी क्रश को इम्प्रेस करो यार। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने बनाई है, अपने चैनल पे मैंने डाल रखी हैं, लाइक प्रैंक्स हैं, ब्लॉगिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियोस जाओ और देखो और इन्जॉय करो यार। सो द 10th सजेशन इज टेक केयर ऑफ योर स्किन। बहुत सारे तरीके हैं अपने स्किन को केयर करने के, कैसे, 1st सजेशन है, बहुत सारे होम रेमेडीज हैं जो आपको YouTube पर मिल जाएंगे, इजिली अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। 2nd सजेशन है, आप दिन भर में कम से कम 1 घंटे में 1 ग्लास पानी आपको पीना है। 3rd सजेशन, आपको धूप में खड़ा होना है, बिकॉज आप सबको पता है कि ये लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो मना कर दी गई हैं, बिना रीजन के कोई भी गाड़ियाँ नहीं निकाल सकता, चाहे वो 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो या कोई और गाड़ियाँ क्यों ना हो, तो उससे भी पॉल्यूशन हमारा काफ़ी कम हो गया है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी प्योर है इस वक्त, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। सो माई 11th सजेशन इज वॉच अ हॉरर मूवी।
मूवीज एक अपने में ही खुद अच्छा टाइम स्पेंड करने का जरिया होता है, और हर कोई मूवीज देखता है, कोई इंटरटेनिंग मूवीज देखता है, कोई हॉरर मूवी देखता है, कोई थ्रिलर मूवी देखता है, कोई सस्पेंस वाली मूवी देखता है। बट आज मैं आपको 3 मूवीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप 21 दिन के लिए घर बैठ ही गए हो तो यार ये मूवीज तो देखना बनता है आपको। तो जो पहली मूवी है, जो मैं पहली मूवी सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, वो है 127 आवर्स। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। सेकेंड मूवी है ब्लड डायमंड, थ्रिलर मूवी है ये। और थर्ड मूवी है फॉरेस्ट गंप। ये 3 मूवीज मैंने खुद भी देखी है और ये बहुत अच्छी मूवीज है, बहुत मजेदार मूवी है। तो ये मूवीज आपको देखनी ही है, तो जाओ और ये मूवी देखो। 12th सजेशन, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता यार आप लोगों को, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनको समझने का और उनके साथ अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड करने का। सो अपने घर वालों के साथ हो आप, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, ना कि आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है तो कभी आप इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, घर वाले भी परेशान है रोक रोक के। तो यार सबसे अच्छा तरीका अपने घर वालों के साथ इंटरेक्ट में आओ, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, उनको समझ सकते हो। और जरूरी है प्लीज आप लोग अपने घर में रहो और अपने घर वालों के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। सो ये है मेरा 12th सजेशन आप लोगों के लिए। 13th सजेशन, वर्क ऑन योर हॉबीज। सबके कोई ना कोई शौक होते हैं लाइफ में और काफी कुछ करना चाहते हैं वो लाइफ में अचीव, बट उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो उस पर वर्क कर सके, उस पर काम कर सके। तो फाइनली आपको टाइम मिला है, आप अपने शौक पूरे कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि वो शौक आपके घर से बाहर जाके पूरे ना हो, घर के अंदर ही हो। तो प्लीज घर के अंदर रह के अपने शौक को पूरा करो और उस चीज पे आप काम कर सकते हो और उस चीज को और भी ज्यादा अच्छा निखार सकते हो आप। सो प्लीज घर के अंदर रह के करो ये चीज, बाहर मत जाओ। सो द 14th एंड लास्ट सजेशन फॉर यू, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट मैं डालता हूँ, वीडियोस डालता हूँ इंस्टा पे, आप वो भी जाके देख सकते हो। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लास्ट में सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन पीरियड अनाउंस किया है हमारे PM ने, ये हमारे लिए करा है, आपके लिए करा है। तो प्लीज घर में रहो यार, सेफ हो आप लोग, और दुआ करो, दुआ में बहुत ताकत होती है, दुआ कर सकते हो आप। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।